स्टेट प्रेसिडेंट श्री सुनील शर्मा भारतीय जी। भारत का वजूद ही खतरे में आ गया है, धर्म के आधार पर भेदभाव करने शुरू कर दिए गए और हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम आ गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा था, जैसा कि 2019 के इलेक्शन में हुआ था, तब भी हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान हो गया। फिर इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद फिर से भी उसी तरीके से वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहे, ये भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों को यही को करना भी यही चाहिए कि जो उन्होंने वादे पिछली अपने इलेक्शन कैंपेन में किए थे जनता के साथ, उसका वो ब्यौरा दें आके, क्योंकि जनता से ही आप चुन के आते हो, जनता से ही वोट आप मांगते हो। उसको एग्जीक्यूशन वो नहीं कर पाता और वो फेल्योर यदि आ जाता है तो वो झट से ठीकरा फोड़ देते हैं पिछली सरकार को। कहा जाता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब 65 साल की उम्र में वो सही फैसले नहीं ले सकते, तो इसकी क्या गारंटी है कि राजनेता 70 साल की 75 साल की उम्र में सही फैसले लेंगे। नियमों का पालन करूंगा और अपने नाम के साथ भारतीय लगाऊंगा कि मैं किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा भूचल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल।